गुण गाओ
नानक पूरा पाया, 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 पूरे के गुण गाओ, पूरे के गुण गाओ, पूरे के गुण गाओ, भाई पूरे के गुण गाओ, पूरे के गुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी परम पवित्र गोद विच बैठ के आप जी समय ते स्वासां दा लाह लै रहे हो, वड भागे हां जग दे धंदे तंदारां तों वेले हो के गुरु चरणां विच बैठन दा सुभाग प्राप्त होया है। कोई भी मनुख किसे गुनागार मनुख नूं नेड़े नहीं बैठन दिंदा। सतगुरु जी ने महान बख्शिश कीती है साढ़े औगण ना चितारदे होए अपनी गोद विच बिठाया है। गुरमुखां ने इस समूह नगर ने मिल के इलाके दियां संगतां ने यह बहुत बड़ा उपराला किया है। गुरु महिमा गाउण दा, गुरु सेवा दा यह पर्व मालक ने बख्शिया है। बेनती करां, यह जीवन बहुत वडमुला है, इसनों व्यर्थ ना गाउणा। यह कोई शरीर हड्डी मास का ही नहीं, इस विच परमात्मा का वासा है। पातशाह कहते ने जिसनों तू मिलन आया है वो तेरे विच रहिंदा है। अंतर बाहर प्रभु का वासा, एक गुर ज्ञान बताई। पातशाह जी कहते ने तेरे अंदर भी रब है,
तेरे बाहर भी रब है, पर यह कहनो नहीं हटता भी उत्तों इनू रब देखता। पता नहीं इन्हें कित्थे बिठाया रब नू अपने नू। पर फिर पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, घट घट में हर जीव वसै संतन कहे उपकार। ये रब ने आना ही नहीं कदे। जिहड़ा ये रब कहिंदा ना सतमें आसमान ते आ, इहदे रब ने नहीं बोलना। आखो सतनाम वाहिगुरू। इसदे सतगुर कहिंदे ने घट घट में हर जीव वसै, तैनूं कितों पुछण दी लोड़ नहीं, लभण दी लोड़ नहीं, तेरे अंदर ही है वो। पर यह बाहर दी जी यात्रा करी जांदा, अंदर दी यात्रा नूं इसकी इच्छा ही नहीं हुंदी। मन अंदरों जाण नूं डरदा है। कल भी मैं बेनती कीती सी, परोपकारियां दा जीवन बड़ा वरमुला हुंदा है। गुरु नानक दे घर ने गरीबां दी बांह फड़ी है। जिन्हां ने इन्हां गरीबां नूं गरीबी दित्ती है वह कदों पसंद करदे सी। आखो सतनाम वाहिगुरू। फिर बेनती सुननी, नीचा हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां से कै रीस। उते भाई लालो दे घर बैठता है, मालिक भागो दे घर ते माल पूरे ने, पदार्थ ने, उहदे घर नहीं गए बादशाह। भाई लालो दे घर करो कोदरे दी रोटी है। एक साल ते पांच दिन बादशाह रहे, एक साल ते पांच दिन। एमनाबाद दी धरती जाके बाहर आवाज दित्ती, भाई दरवाजा खोल। जिसनों लोग छोटी बरादरी कह के कमीन कह के पुकारते ने, उसनों भाई कह पातशाह ने। ख्याल रखना गुरु नानक का वचन नहीं मनोगे तो मिलने वाला कुछ भी नहीं। छिलट तो चार कट्ठे कोई भी कर सकता। ये माया नाल नहीं वड्डा हुंदा बंदा। हाँ संसार दियां नज़रां च वड्डा हो सकता कोई, क्योंकि मनमुख बंदे का हर पैमाना गुरमुखो बाहर है। बड़े अज गुरमुख बैठे ने सज्जन, जरा ध्यान देना। मनमुख का हर पैमाना बाहर है। वो उसनू वड्डा समझदा जिसकी कोठी वड्डी है। मनमुख बंदा उसनू वड्डा समझदा जिसकी जमीन वड्डी है। मनमुख बंदा उसनू वड्डा समझदा जिसके कोल धन वड्डा है। पर गुरु साहब ने, धन गुरु नानक साहिब जी ने लाहौर विच कहा सी, सुनो सज्जना, तू सब तो वड्डा भिखारी है। आखो सतनाम वाहिगुरू। कहिंदा पातशाह तुहानू पता नहीं मैं इत्थे लाहौर दा सेठ हाँ। कहिंदे तू सब तो वड्डा भिखारी है। कलयुग दा बंदा भी सब तो वड्डा भिखारी बनना चाहुंदा। आखो सतनाम वाहिगुरू। इसनू पई हुई माया दा आसरा बड़ा। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ते गुरु नानक दे घर ने आए हुए अव्यागत व्यक्ति लोड़वंद नूं उसकी पूर्ति करन लई दिता सी। तू की कर बैठा ये माया ते गिणदा, पर कदे ये नहीं गिणिया भी अमृत किन्या ने छकिया इस साल। मैं तो बेनती करके चले जाना, गुस्सा ना करो। कदी ये भी गिणिया भी किन्नी गिणती हो गई इस साल, किन्या ने अमृत छकिया, किन्ने गुरमुखां दे कीर्तन होए ने, किन्ने लंगर लगे ने, किन्या दा लोड़वंदां दी जरूरत पूरी कीती। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਈਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ? ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ। ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਲਈ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਸਹੀ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੇ ਅਵਗੁਣ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਔਗਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕੰਨ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਦੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ? ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਆ 100 'ਚ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਅੰਗ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ,
हर अंग तो त्रिग है तेरे हाथ तेरे पैर जेड़े पैर गुरु वल नहीं आ सके वो हाथ जेड़े सेवा नहीं कर सके असल साइंस ने खो लिया सब कुछ साइंस ने खो लिया रोटी हुण मशीनां पकाउण लग पईआं हत्थां दी सेवा भी जांदी रही हुण नहीं मिण ली कहिंदे सी पातशाह कहिंदे सी आटा पीना सी वो चक्कियां पीण लग पईआं हर काम स्विच ते चला गया सुख तां मिल गया बंदे नूं पर एडा दलिदरी हो गया कहिंदा वी इह जिहड़ा स्विच वी आ कि होर कोई आ के इस बटन दबा दे इस नूं उठ के भी राजी नहीं गुरु वल जाना सी मैं एक बेनती होर कर चला जरा मन नूं उपर उपर ले जाना जरा दस चीज़ां लगदियां ने किसे इमारत नूं बनाउण नूं सीमेंट बजरी रेता पानी इत्यादिक ओही दस चीज़ां गुरुद्वारा साहब नूं लगियां ने ओही मंदर नूं लगियां ने ओही मस्जिद नूं लगियां ने वो तो बेचारे कुछ नहीं कहिंदे जिहड़ा उहदे विच आउंदा जांदा बंदा वो ईरखा करदा आखो सतनाम वाहिगुरु उसदे अंदरों ईरखा नहीं जांदी पातशाह रोग ईरखा दा लाके मना मेरिया जन्म गवाया अपना ईरखा दा लाके निर्वैर दी बाणी आ अंदर कुट कुट के इहदे अंदर वैर भरिया होया आखो सतनाम वाहिगुरु आ सुनना जी जरा त्रास दी इस दी उपरों बाहरों बड़ा बीबा जिहा लगदा गुरमुख लगदा संत लगदा महात्मा लगदा बाणी निर्वैर दी पढ़दा पर अंदर वैर कुट कुट के भरिया होया ओहो हो अंदर ईरखा कुट कुट के भरी हुई है गल्लां ईश्वर दियां करदा है आखो सतनाम वाहिगुरु मैं अपने महापुरशां नूं कहिंदे देखिया सी एक बचन सुनिया सी उहनां कोल बैठ के कहिंदे सी एक दे प्रति भी तेरा विरोध रह गया जे एक दे प्रति भी दुनिया जे रब सपने च वी नहीं मिलना असली दा इक पासे रह आखो सतनाम वाहिगुरु ये तो ईरखा का भरिया होया वैर विरोध का भरिया होया तो पातशाह कहिंदे ने गुरमुख वैर विरोध मिटावै पर एडा सौखा नहीं जिन्ना मैं कह जाना इत्थे
पुछो सही तुहाडा कोई वैरी नहीं। बाणी कहिंदी ना को वैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाए। ऐवें झूठ बोलदे आ जी तां घर वाली नाल नहीं बनती, घर वाले नाल नहीं बनती, सारी मुरसा कशी रहिंदी आ, फड़ लो हो ही रहिंदी, धीआं पुत्रां नाल, गुआंढियां नाल, मित्रां नाल। दस तो सही सगल संग कित्थे बनी है तेरी आखो सतनाम। वाहिगुरु तू बना के तो दिखा जे रात तैनू पता लगे रब लभण की लोड़ नहीं, रब मिलना भी कितने उन्हें कितने एवें भुलेखे च न रहे, अखां बंद बंद करके प्रकाश देखता फिरदा जिहड़ा है आखो सतनाम। वाहिगुरु ते बाबा जी कहिंदे हर जन ऐसा चाही है जैसा हर ही होए आखो सतनाम। वाहिगुरु तैनू रब वर्गा होना पैना। तुसी कहोगे भी रब तो दिसदा नहीं, उहदे वर्गे किवें होईए? वह निर्वैर है, तू निर्वैर हो जा। सुनना जरा, वह दाता है, वह वंडदा है, तू भी वंडिया कर। ये कहिंदा रोटी साढ़े कोल खाण नूं नहीं वंडीए की, वह कहिंदा मन लिया तेरे कोल कुछ भी है नहीं, पर जे कुछ भी है नहीं तो प्रेम दे शब्द ही बन दे, तेरे कोल ते वह भी है नहीं। आखो सतनाम। वाहिगुरु दो प्रेम दे शब्द ही बन दे, दूजे का सीना ठर जाएगा। तू तो वह गल करदा दूजे का सीना पाड़ सिड़दा वह गल कह के। तू कहना मैं रब लभना, रब कितों आना? आखो सतनाम। वाहिगुरु हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। जिन्होंने उस अकाल पुरख नाल भेद हो गए, मैं बेनती करा, उन्हां दी एक अवस्था बन गई। होनियां दे रचनहार पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने कोई पैयो मुंडिया सन्यासी, कोई योगी पैयो, देखते हैं एकता विच अनेकता देखते हैं। कोई ब्रह्मचारी कोई यतु यति अनुमान, वो कितना न्यारे न्यारे देखने। हिंदू तुर्क को राफसी इमाम शाफी, मानस की जात सब है एक पहचान, वो क्यों लगती है मानस की जात एक, क्यों जी लगी है? वे सब एको जे ने, एको ही बैठे ने, कित्थे करदा एवें उपरों उपरों कहिंदा? क्योंकि जब तक इहदे अंदरों एकता नहीं आउणी, अंदरों बराबरता नहीं आउणी, इह गुरु नानक दे घर ने अपने सिख विच कुट कुट के भर दित्ती। अज भी ऐसी गल नहीं, दुनिया दे किसे हिस्से विच भी कोई आफत आ जाए सिख उत्थे भी लंगर लगा के बैठे। जिस दिल्ली ने गल च टायर पा पा के फूके सिख, उन्होंने भी करोना विच सिखा ने जाके घर घर प्रशादा छकाया। आखो सतनाम। वाहिगुरु सिख की विलखणता तो देख, सिख का जलवा तो देख। जिन्ना हो सकता उन्ने कर, खुदगर्ज बंदा घर दे बंदे नूं करोना हो गया उतों ही कही जाते हैं डाक्टरों को, पुलिस को इतों ही ले जाओ। आखो सतनाम। वाहिगुरु देख बेईमान दे सिरे का बेईमान आ, किसी का भी नहीं असल च, कहते इतों ही ले जाके फूक दो, असी नहीं आना नेड़े, असी ने सानू ना कित हो जाए। जमीन वो सामभण तैयार है, वो कोई करोना नहीं, पैसे संभालन तैयार आ, उसकी प्रॉपर्टी संभालन तैयार आ, पर उन्हें फूकन लई तैयार नहीं। आखो सतनाम। वाहिगुरु ओहो रोज इसनू पातशाह कहिंदे ने तू एक गल पढ़िया कर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, 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 जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ
ਸਿਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਰਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਸਮਝ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ? ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਦਾਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਦਾਸਾ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਟੇਕ ਹਟਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਦਾਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਏ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ, ਧੀ ਆ ਜਾਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਪੋਤਰੇ ਦਿਸ ਪੈਣ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁੱਖ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਜੀ ਪੰਕਤੀ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁੱਖ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਮਨ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ, 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹਵਾਲਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਲਈ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੇਟ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ ਘਰ? ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ? ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ 7-8 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੈ ਉਮੀਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਦੇ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁਆਈ ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋ ਕੋ ਮੱਜਨ, ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਣ ਬਣਾਓ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ, ਧਿਆਨ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੂਣ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਇਹ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ,
तो मेरा ख्याल है भी एक महीने तो वध नहीं होना, जिन्ना समा एक महीने च हुंदा ना 24 घंटे का इन्ना भी नहीं बढ़ना। आखो सतनाम वाहिगुरू। की कहती बाणी, अपने गुरां दा बन जा, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना जे सुख लेना, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना जे सुख लेना, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना जे सुख लेना, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना जे सुख लेना, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना सुख लेना, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना जे सुख लेना, 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 जे सुख सुख लेना जे सुख लेना, जे सुख लेना जे सुख लेना, जे सुख लेना जे सुख लेना, जे सुख लेना जे सुख लेना, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना जे सुख लेना, अपने गुरां दा बन जा, जे सुख लेना जे सुख लेना, अपने गुरां सुख लेना जी सुख लेना। एक दा हो जा, दस तू के आया ये दस, किसी ने नहीं दसना, इनू पूछ तू के आया, तन मन धन सब सौंप गुर को, क्यों जी रोज पढ़दा फिर हो गया, पूछना पाएगा, पूछना पाएगा भी है कि तिन्नी संसार लै गया, हुक्म मनिया पाई है, तो हुक्म कमाना सी आया ही इस करके सी। मेरे पातशाह कहते ने अदेख अनेकता किमें है, कदे भी सतगुरों ने जिन्हें भी जंग लड़े कदे किसी की एक इंच जमीन भी कदे ये नहीं सोचा, नहीं चाहते तो 22 धार के राजों तो कई बार खो लैनी सी, पर उन्होंने पता आ जितना वहो हमरो आवन कह चुभी रही सुरत प्रभ चरण, साड़ी सुरत संसार में चुभी हुई है। तुसी कदे देखिया जहाज उड़दा, जिस जहाज ने हवा में उड़ना उसने धरती छड़नी पैनी है, ख्याल रखना जरा, जिस जहाज ने उड़ना उन्नू धरती छड़नी पैनी है। इहदा तां सब कुछ ही धरती च, धीआं पुत्तर धन जमीन जायदाद कुर्सी ये सब धरती दे तां गड़िया पिया, ये तां गाड़ी एडा होया गर्दन तक, इहदा तां पासा नहीं कोई दिसन तां उड़न तक, सुरत किवें उठ जाए, सरमाए तो नहीं उठती, चार जगह सुरत रहिंदी है, खिमा करना, सब तो पहले परिवार विच सुरत रहिंदी है। गुरमुखो सुन लेना जरा, सब तो पहले सुरत परिवार विच रहिंदी है, क्योंकि परिवार हुण इसने साजिया होया, इस दे खून विचों आया होया, इहदे नाल सांझ बननी सुभाविक आ। हुण इच्छा होई कि इहनां लई पदार्थ भी चाहीदे ने,
फिर सुरत पदार्थ विच चले जाती है, फिर पदार्थ कठे करता बंदा अपने लिए। इदा ही पूछ लिया कि गलती खा जा मैं दस देना बाद च। फिर पदार्थ इकट्ठे करता, जदों पदार्थ हो जाते फिर ये अंदर एक होर फुरना आता वड्डे होण दा। फिर यदि सुरत कदे कदे राजनीति विच जांदी आ कि हुण चेयरमैन बन जाए, हुण MLA बन जाए, हुण पंच बन जाए, सरपंच बन जाए, फिर उत्थे फस जांदा। जदों किते कृपा हो जाए, किते इस गंदगी चों किते निकल जाए, फिर सुरत परमात्मा दे वल जांदी है। आखो सतनाम वाहिगुरू। इन्हें निकलना नहीं, पहले तिन्ना चों ख्याल रखना, निकलता नहीं है क्योंकि इसनों आनंद का नहीं पता लगा। असल च इसनों स्वाद का तो पता, पर आनंद का नहीं पता। इसनों बहुत सातों दुख प्राप्त होवे। पातशाह कहते जिथों कहता बहुत स्वाद आता, समझ ला दुख दियां पंडा उत्थे ही वजियां पईयां। आखो सतनाम वाहिगुरू। उत्थे ही वजियां पईयां। संसार विच मैं कल भी बेनती की सी भी परोपकारी आउंदे ने, इच्छा हुई अवतारी पुरशां दी संसार विच आके भी ये संसार सारा स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन जाए। एक दी इच्छा नहीं हुई, किसे युग च आया होवे, किसे कौम च आया होवे, उन्हां दी इच्छा ही रही इन्हां नूं सुख देण लई। इन्हां सारे संसार दे लोकां नूं सुख मिल जाए, पर गुरु दी गल ना मन्नी, क्योंकि पातशाह कहिंदे सी जे सुख लैणा ते कम करना पैगा। सुख नाहीं वे हरी भगत बिना, नहीं रे हरी भगत बिना, सुख नहीं रे हरी भगत बिना, सुख नहीं रे हरी भगत बिना, सुख नहीं रे भगत बिना, सुख नाही रे हरि भगत बिना, भगत बिना जग देखिया जुआरी। बड़े करड़े बचन ने पानी दे पातशाह दे, कहिंदे ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मंगे नाम विसारी। आखो सतनाम वाहिगुरू। रब नूं भुल के सुख लेना चाहुंदा सपने विच नहीं मिलना, ओ याद रख। आखो सतनाम वाहिगुरू। क्यों जी, सारी जिंदगी बीत के नितनेम ही नहीं पक्का होण च आउंदा। हो गया पक्का रोटी पानी पक्का, इहदा तिन्ने वेले भी खाणा। आखो सतनाम वाहिगुरू। अमर पातशाह बड़े प्यारे वचन करदे ने, कहिंदे छड्डणा नहीं, कुछ छड्डणा नहीं दुनिया च, किहनू किहनू छड्डेंगा। इह कहिंदा मैं आने छड्ड दित्ता, सतगुर कहते भुख छड के दिखा, तेनों तो ता मनी है, तू भुख छड पो प्रकृतक आ उसनों छड। ये कहें मैं पानी पीना छड़ता, सतगुर कहते तू प्यास नू छड के दिखा,
जिहड़ी कुदरत ने लगाई हुई वह छड्ड के दिखा, तू पखंड ना कर। छोड़ अन्न परे करे पखंड, ना सुहागण ना वो रंड। बड़े करड़े बचन ने भी पखंड ना कर। सारा साल आदमी नूं गालां कढ़दे रहना ते साल बाद कहना इहदा सुख मंगदी मैं वरत रखना, आखो सतनाम। वाहिगुरू सुन लैना जरा बाणी की कहिंदी है, मैं उही सुणाउणा आप जी नूं। ओही नहीं एक पासा पखंड दा, पखंडी असीं भी बहुत हाँ, घट असीं भी नहीं, क्योंकि कोई किसे दा नहीं। निज घर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे, पातशाह कहिंदे ने। की कहिंदे फिर की करना? कहिंदे अल्प आहार। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अल्प आहार सुलप सी निद्रा, थोड़ा खा थोड़ा सौ। क्यों जी, रात तो सौंदा ही है बारह घंटे, कई बार दिने भी घराड़े मारदा, दुपहरे कहिंदा रेस्ट करनी है। तुसीं दसो, सौ साल बंदे दी उम्र होवे, अव्वल तो तीहां पैंतीआं ते हुण संख बजन लग पिया, कहिंदे इक अचानक हार्ट अटैक हो गया, अजे उम्र की सी। सौ साल मन भी लईए तो जे बारह घंटे दिन दे सौण रात दे सौना तो पचास साल तो सुते ही लंघा है। जे समझ लो दो तीन घंटे दिने भी लाने दस साल वो लंघा है। सठ साल आ जरा हिसाब करो, जरा सठ साल हो गया, दस साल बचपन दे लंघ है, सत्तर साल, दस साल बुढ़ेपा नहीं गणों लैना, अस्सी, भी साल रोटी डाटी घरद्या नूं कमा के दिंदा रहा, ब्याह कराउंदा रहा, बच्चे पैदा करदा रहा। दसोगे रब ले रेखिल की लाया? दसोगे जरा? दस तो सही लेखे की लाया, ओदी दित्ती हुई, जिसकी वस्त तिस आगे रख है, उसका दिता होया सब कुछ वो अगे रखना सी, ये तो लोग ही खा गए। क्यों जी, को है तुहाडा? मेरे पातशाह कहंदे ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेसो ध्यान विभूत चढ़ाओ। योगियों नूं कहंदे ने, सानू भी कहंदे ने, योगियों लई नहीं है, ध्यान कित्थे आ? बाहर तो सुआह कहते मली फिरदा, कित ध्यान की विभूति वह सुआह ला लेंदा। कहते कुछ ना अज कसम खा के जाओ, प्रण करके जाओ बे अज तो बाद निंदिया नहीं करनी। ता ही फायदा साढ़ा तिना दिन का, पैसे भी खर्चे, कोई लाभ भी ना होया, गल भी ना मनी, गल भी ना मनी, कह दो भी आई तो बाद निंदिया नहीं करनी, चुगलियां नहीं करनिया, छड़ दईए आज तो बाद, अमृत वेले उठना आज तो बाद, नितनेम च कोई कमी नहीं आन देनी, वधाउणा कुछ तो करके जाओ। वो कोई बंदा ना कदे सारी उम्र हरिद्वार नहीं सी गया, कृपा करो जरा, वह बुजुर्ग गुजर गया तो उत्थे अस्त पौन चला गया। वो पांडे पिछे ही पै जाते भी यदि गति करनी है, असं गति जा रही है, आखो सतनाम। वाहिगुरू वो कहन भाई तेरे बुजुर्ग की गति करनी है, पर एक काम करना पौ, कुछ छड़ना पेगा। उत्थे कोई फल छड़ाउंदे आ भी उन्होंने निमित्त उन्होंने खुआने लई। सुन लो हाल दुनिया का, जींदे ने तो कुछ दिता नहीं, हुण मरे नूं खवाउण लगे, आखो सतनाम। वाहिगुरू वो जिहड़ी गल भी वह पांडे कवे, वह कवे मुश्किल आ, वह कहिंदा उत्थे बह जा, तैनूं कोई ना कोई छड्डणा ही पैणा। इह चंगे फसे, पंद्रह भी मिनट बैठ के उठ के तुर पिया, कहिंदा भी छड्ड दिता छड्ड दिता। वह कहिंदा दस जा की छड्डता? कहिंदा हरिद्वार आउणा ही छड्डिया, आखो सतनाम। वाहिगुरू इन्हें भी इदा ही छड़िया हुआ भी गुरद्वारे नहीं आना, गलती नाल भी नहीं आना। सिखां कोल संगमरमर दे गुरद्वारा साहब ने, पर अमृत वेले कोई दिसदा नहीं, इस करके बनाए सी, सतगुरु उड़ीकदे सी,
अमृत वेले मेरा सिख आएगा, नितनेम सिमरन कीर्तन करेगा, सुनेगा। दसोगे? इस करके बनाए सी है, किते किते को विरला विरला दीवा जगदा नजर आता, नहीं तो कूक सुते ने। की असल जिस ने ए माया मोनी सोनी ने, 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 सतगुर ते चरण सावे कलगीधर पातशाह जी ने जीवन के लगभग 42 साल इस संसार ते शरीर करके विचरे ने। जिंदगी च कदे एक पल भी सुख नहीं देखा। गुरमुखो, एक पल भी कदे जिंदगी च सुख नहीं देखा। सानू तो सुख दे गए। ओहो, पढ़ोगे एक पंक्ति? सुख दे के जहां दे सारे कंडे आते आप सौं गया, देखे जगत दे सारे कंडियां पे आप सौं गया, सुख देखे जगत दे सारे कंडियां पे आप सौं गया, सुख देखे जगत दे सिखां नूं सारे सुख दे के आप कंडियां ते सौं गया। इहो जिहा सतगुर नहीं लभना। देख तां सही जरा नज़र मार के, आनंदपुरी नूं छड्डण लगे पातशाह। कहिंदे आवाज़ आई कि इक निशानी दे जाओ, सुनना जरा, कोई निशानी दे जाओ दाता, आप जी चले हो आनंदपुरी नूं छड्ड के। मेरे पातशाह कहन लगे, आनंदपुरी है असी तां अपनी कोई निशानी नहीं रखनी, तैनू निशानी की देईए? आखो सतना वाहिगुरू। ये कहिंदा इहदे सारी उम्र तरसदा रहिंदा वी पोतरा होना चाहीदा निशान च रह जाएगा, दोतरा होना चाहीदा निशान रह जाएगा। ऐसा सतगुरू इन्नी प्रीत देश नाल, इन्नी प्रीत कौम दे नाल। सतगुरु ने कहा सी मुगलां नूं तां सका दी, अपनी मर्जी ना अपनी जबान पढ़ाउणा चाहुंदे हो, अपनी मर्जी ना अपना ग्रंथ पढ़ाउणा चाहुंदे हो, साडी मर्जी है असीं की खाणा की पहनना की गाउणा किहनूं गाउणा। देश नाल दातिया प्यार तेरा देखिया, देश नाल दातिया प्यार तेरा देखिया, देश नाल दात
तेरा देखिया दो पिछे रह गए ने सरसा नदी ते दो अगे निकल गए ये अपने अमली नूं बचाउंदा मर जाना इन्हें उन्हें फिर भी नहीं बचना आखो सतना वाहिगुरू कुछ नहीं बचाउण लई साडे कोल ओए दुनिया दे लोको गुरु दी प्रीति विचाला जे बचदी ते जिहड़ी बचाउण वाली चीज है वो गुरु दी प्रीत है वो बचाला वड्डियां ने नदी तो छोड़ा जदों पा लिया छोटियां नूं साधी वेख ले जे नाल ला लिया वड्डियां ने नदी तो छोड़ा जदों पालिया छोटिया नूं दादी ने कले दे नाल फतेह सिंह जोरा वर ने कहानियां कंधा विच लोथां जाके किसी ना पछाणियां उन्होंने दिनों झाड़ होंदे सी उत्थे इतिहास लिखता कि माता गुजर कौर जी ते छोटे साहबजादों के शरीर जालम इन्हां मुगलां ने उन्हें झाड़ा के बच्चे सुट दिते इतिहास गवाह है अपने लिए नहीं साढ़े लिए हैरानी की गल नहीं जिस सतगुर ने सब कुछ वार दिता सिख वह अमृत छकना ही भुल जाए एक झूर सुभा पै गया बहुत का साडा पंज रत्नी जरूर छकते ने रात को तुसी दसोगे कि गुरु दे सिख हो अपने मन में ही पूछना सानू तो कोई अधिकार नहीं पुछ तो सही इस मन में भी किहदा सिख आ काम का क्रोध का लोभ का मोह का झूठ का निंदिया का सिखा तो दसता नहीं सिख है कि गुरु का सिख तो इदा का लगता नहीं जो तेरी तेरी करतूत आने पूछ लेना ख्याल रखना धर्म राहे जब लेखा मांगे
क्या मुख लेके जाएगा। फिर पढ़ो एक बारी, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। जिस दिन शराब पींदा रहा वो मुख लेके जाएगा, जिस दिन झूठ बोलता रहा वो मुख लेके जाएगा, जिस मुख नाल निंदिया करता रहा वो मुख लेके जाएगा। तो मालिक कहते मत शर्मिंदा थीमी है साईं दे दरबार, देखी कि शर्मिंदा ना होना पै जाए। देश नाल प्यार तेरा देखिया, देश नाल प्यार तेरा देखिया, खेरू खेरू होया परिवार तेरा ही अनोखा उपकार तेरा देखिया, देश नाल दात्या प्यार तेरा देखिया। जे रब जे सतगुर पुछ रहे ना भी गुरु ले कुछ दोगे, जे पातशाह पुछ लैन भी गुरु ले कुछ दोगे, तुहाडे कोल तां कोई है ही भी नहीं। एको एक सी वह भी तुसी बाहर भेज दिता, आखो सतना वाहिगुरू। बड़ा गिद्धा पाउंदा, काका भी बाहर चला गया, गुड्डी भी बाहर चली गई, बड़ा गिद्धा पाउंदा है। आपां इंद्र मोहतम सिंह होनी सुनाउंदे सी गल, डॉक्टर हरशिंदर कौर मेरा ख्याल उन्हां दा नाम, कहिंदे कोई भैया नूं पुछण लगे हो वे किन्ने बच्चे आ, कहिंदे 14 बच्चे। कहिंदा इन्ने बच्चे? कहिंदे हाँ। कहिंदे इन्हां लई घर होर? कहिंदे जिन्ने सिखां दे घर असीं संभालणे आ। कहिंदे मैं हैरान सी, सिखां दे घर असीं संभालणा, इन्हां दा कोई है ही नहीं। आ जिहड़ा परागा मेरी उम्र दा, इस तों बाद दस्सो सी तुहाडे कोल बचिया की आ? अक्सर संख तो बजना ही है ना, हूँ अज बज जाए, साल नू बज जाए, दो नू चौं नू बज जाए, अक्सर जो आया सो चल जी। फिर दसो कौन संभालू तुहाडियां जमीन, जे तुहाडे घर कौन संभालू? तो हरशमिंदर सिंदर कौर कहण लगी, मैं हैरान परेशान भी यही कुछ सोच के बैठे ने कुछ लोग, होना इदा ही है। ये सामने तस्वीर एक धुंधली धुंधली दिस रही है, जे बच सकता तो कुछ बचा लो। यही सत्संग का सारा तिना दिना का। मेरे पातशाह जी ने सदा ही चढ़न की कला च रहे। मालवे जब पातशाह विछर रहे सी, ते तीन पीर आए कहन लगे तुहाडा फैसला करा दिंदे आ। पातशाह कहिंदे वधिया है, फैसला हो जाना। कहिंदे तुहाडा समझौता करा दिंदे आ। कहिंदे समझौता वधिया है पर कुछ शर्तां। कहिण लगे शर्त तां जिते हुए बंदे दी हुंदी आ, हारे हुए दी कादी शर्त? आखो सतनाम वाहिगुरू। सुनना जरा, जिहड़ी शर्तां हुंदियां उह जिते हुए दीआं हुंदियां, हारे हुए दीआं शर्तां कादीआं पातशाह?
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਦੀਨਦਾਰ ਕਾਹਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆ, ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਆ। ਖਾ ਕੇ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਇਤਵਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ, ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਜਬ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਦੇਵੇਂ, ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਲਕ ਨੂੰ ਪਾਲ ਦੀਆਂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਅਜਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਸ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਤੂੰ ਹਰ ਸਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ, ਬਾਂ ਫੜੇ ਨਿਆਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੁੱਲਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਰੇ ਫਿਕਰ ਸਭ ਚੰਗਿਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਉਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰ ਕੋ ਦੇ,
गुरु को ऐसा चाहिए सिख का कुछ ना ले। एक वीर साहब कहते हैं, तुसी दसो असल च गुरु सब कुछ खो लेंदा सिख तो आप। इस मूर्ख को हैर की, काम है क्रोध है लोभ है मोह है हंकार है आशा है चिंता है ईरखा है, सब कुछ खो के इसन जब खाली कर देंदे ने सतगुर, फिर इसन परमेश्वर दे नाल भर देंदे ने। आखो सतनाम वाहिगुरु। ये खाली नहीं हुंदा, जिमें किसी का फोड़ा होया हो डाक्टर नू हाथ नहीं लाउण दिंदा, इवें ये मनुख है। ये गुरु की वर्कशॉप विच आउंदा नहीं, ये आउंदा नहीं, ये पाप लगो के रखदा ते गुणा नू हथ दे उपर रख के लोगों नू दसदा भी मैं की हाँ। हो जो कुछ वर्तदा जग ते जानदा ओदे कोलों नहीं कोई छुपा सकता, बिगड़े काज सवारदा सारिया दे कोई उसका अंत नहीं पा सकता। ओ औरंगजेब, जो कुछ इस संसार ते हुंदा उन्हूं सब पता है, उहदे कोलों कोई छुपा नहीं सकता, चाहे पुन होण चाहे पाप होण, इन्हूं पता, जां रब नूं पता जां सतगुर नूं पता। सूत्र तार ओ जगत तमाशड़े दा, सारे उस दा हुकम बजांदे ने, ओनू सारे संसार दी जानकारी, दसवें गुरु जी इउं फरमांदे ने। हुण मेरे पातशाह इस पत्र विच लिखदे ने औरंगजेब, की वड्डी बहादुरी है तेरी, कई दिनां तों भुखे सी सिंह चाली, शाह आप ही दस ओ की कर दे, दस लख दा प्या अचेत केरा, इको रासी ओथे ही जूझ मर दे। दस लख एक पासे चाली एक पासे, हो रा भी केड़ा सी शहीद होने तो बगैर, रिहा रा ना फेर मजबूर होके, अंत चुगने पे हथियार सानू, जेना वंडिया सदा मोहब्बतानू, पै गए वंडने अज अंग्यार सानू। औरंगजेब, असी तां मुहब्बतां वंडण आए सी, मजबूर कर दिता, अज जो कुछ तेरे नाल होया तू कीता, ये साडी इच्छा नहीं सी। जदों कोई भी हीला ना कम आवे, निकले हल ना कोई भी प्यार दे ना, उदों धर्म है शक्ति प्रयोग करना, हल कढ लो फिर तलवार दे नाल, हल कढ लो फिर तलवार दे नाल। जदों इंसाफ दे दरवाजे बंद हो जान, फिर हथियार दे मुठे ते हाथ जाना जायज है। आखो सतनाम वाहिगुरु। धन्नवादी हाँ इन्हां तिना दिनां विच एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां, खिमा कर देना। धन्नवादी हाँ सतगुरों दे जिन्हां ने महान बख्शियां तीन दिन बरसाईयां ने। धन्नवादी हाँ प्रबंधक सज्जणां दे
मैं जे नाम नाम लैण लगा तो कई ने कह देना देखो जी साडा नाम नहीं लिया आखो सतनाम वाहेगुरु। धन्यवाद हाँ धन्यवाद है मास्टर जी होना दा और सारे नगर दे प्रबंधक सज्जनां दा हर एक ने वध तो वध सेवा की है। इन्हां तिना दिनों विच अनेकां गलतियां हो गई अखर दा वादा काटा खिमा कर देना जोड़ियां विच बिठाई रखना चरण धूड़ बख्शते रहना यही अंतम इच्छा है। आओ जिन्नी देर नू आनंद साहब की समाप्ति होनी है उन्नी देर नू 3:20 हो जाने ने। राम कली महला तीजा आनंद एक अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया पाया सहज से मन मजिया बदाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आइया तो तका वो हरि केरा मन जिनी बसाया सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे तो सदा रहो हर नाले नाल आओ तू मन मेरे दुख सब विसारना जो करे तेरा कार्य सब सवारना नाम गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले मेरे क्या नहीं करती करना तेरे सब किश है जिस दे सो पावी सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावी नाम जिन के मन बसया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कुर्बान की ताकू विटो जिसने आई बढ़िया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम राया दारू बाजे पांच शब्द कार सुपाके शब्द बाजे कला जित कर तारिया पांच दूत को दवस पीते काल कंच कुमारिया जिनको से नाम हर के लागी कह नानक तै सुख होआ इत करि अनहद बाजी आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार परम प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे भूख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी ते पनीत दीप विच सतगुर रहिया पर पूरे वंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद सूरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता सर्प महात दिस रात बताई दाया खेले साज जगत गया या पुर आया बाजे सर्व दूर करनी आपो अपनी ये नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया ते मुशक्त काल नानक ते मुख उज्जले जीती चुट्टी नाल जिन्नी नाम त्याया ते मुशक्त काल नानक ते मुख उज्जले जीती चुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।